इज अ थिंग, सी हियर, एलर्जीज आर हेरिडेटरी, ये सच है। लेकिन एक और बात आपको समझनी है कि हर एक की एलर्जी इंटेंसिटी अलग होती है। समवन विल माइट बी एकदम हाईली एलर्जिक, समवन माइट बी लिटिल एलर्जिक, समवन विल बी वेरी लीस्ट एलर्जिक। तो बहुत सिंपल सी चीज है। अगर कहीं पर, एक एग्जांपल देता हूँ, अगर घर में गैस में कोई तड़का तड़का मारा है और एकदम ज़्यादा धुआं निकला, तो हर एक पर्सन उस सेम इंटेंसिटी से नहीं छींकता। किसी को कम छींके आती है, किसी को ज़्यादा छींके आती है, किसी को नहीं आती। हम कह रहे यार ये आदमी क्या है, इसको छींक नहीं आती। और सेम गोज विथ कोल्ड, सेम गोज विथ अदर थिंग, सेम गोज विथ डस्ट। सो एलर्जी की टेंडेंसी रह सकती है, दैट कैन बी जेनेटिक। एंड जो आपकी सेंसिटिविटी है वो आपके लाइफस्टाइल से बदल सकती है। मान लीजिए आप अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स खा रहे हैं, पानी खूब पी रहे हैं, नींद पूरी ले रहे हैं, सिगरेट बीड़ी तंबाकू से दूर रह रहे हैं, ट्रैफिक से दूर रह रहे हैं। हर बात इंपॉर्टेंट है इसमें, इतनी सारी बात बोल दी, हर बात इंपॉर्टेंट। अगर इन सबसे काम कर रहे हैं तो आपकी एलर्जिक टेंडेंसी कम हो जाएगी। आपका एलर्जी का जो जो रिएक्शन है वो माइल्ड होगा, आपको बेटर फील होगा, राइट? ऑब्वियसली यू शुड डू दीज थिंग्स, दैट इज द आइडिया गाइज। इफ यू रियली वॉन्ट टू अवॉइड फर्दर एलर्जीज, यू हैव टू वर्क ऑन योर लाइफ स्टाइल, यू हैव टू वर्क ऑन दी एलर्जी एक्सपोजर। एलर्जी एक्सपोजर एक सेकेंडरी है, लेकिन लाइफ स्टाइल इज ऑल्सो। अगर कोई लाइफ स्टाइल बीमार है, लाइफ स्टाइल में मान लीजिए इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो गया, उसको वीक हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया, पानी कम पी गया, डिहाइड्रेटेड हो गया, कमजोर हो गया। कमजोर आदमी चल भी नहीं पाता, चलने में मुश्किल होती, खड़े होते चक्कर आते हैं, तो जरा सी एलर्जिक रिस्पॉन्स होगा, जरा सा एलर्जिक रिस्पॉन्स होगा तो उसके सिम्टम्स भी ज्यादा आएंगे। सिंपल एज अ पिंपल, राइट?